नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा जैन, व्याख्याता है संस्कृत राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर, शास्त्रीय प्रथम वर्ष संस्कृत वाङ्मय द्वितीय पत्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम भारतीय संस्कृति के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। राष्ट्र अथवा समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था की परिकल्पना की गई। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में समग्र विश्व को अद्भुत आकार वाले पुरुष के रूप में परिकल्पित किया गया है। यह पुरुष सहस्त्र शीर्षों वाला, सहस्त्र पैरों वाला था। इसका सिर भूलोक, नाभि अंतरिक्ष लोक एवं पैर भूमि लोक था। इसके मन से चंद्रमा, आंखों से सूर्य और प्राणों से वायु उत्पन्न हुए। इसी क्रम में चारों वर्ण भी इसी विकार के पुरुष से उत्पन्न हुए हैं, जैसा कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है। ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत् बाहु राजन् मे द्योतनः, तस्य यद् वैश्या पद्मना शूद्रो अजायते। अर्थात इस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण भुजाओं से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण माने जाते हैं। इसी सूक्त को आधार मानकर स्मृति ग्रंथों में भी चार वर्णों का चित्रण किया गया है, जैसा कि मनुस्मृति में मनु कहते हैं, लोकानां तु विवृद्ध्यर्थं मुखभावं उपादत्तः ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निर्वर्तयत्। यह वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल से कर्म प्रधान थी। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि माम विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। अर्थात इस जगत में प्रत्येक पदार्थ के गुण और कर्म के अनुसार अनेक भेद दिए गए हैं, जिनमें से चातुर्वर्ण अर्थात वर्ण व्यवस्था प्रधान है। यथा मनुष्य शरीर में मननशील मस्तिष्क है, बल प्रदर्शक बाहु है, उक्त अन्न का परिपाक कर सर्वत्र रस का प्रसार करने वाला उदर है एवं शरीर का भार वहन करने वाले पैर हैं। उसी प्रकार समाज में मस्तिष्क संबंधी कार्य संपादन करने वाला ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण है, बाहुबल संबंधी कार्य निष्पादन करने वाला क्षत्रिय है, कृषि वाणिज्य पशुपालन के द्वारा सभी की उदर पूर्ति करने वाला वैश्य एवं उक्त सभी वर्णों के कर्मों की भूमिका निभाने वाला, सभी कर्मों का भार ग्रहण करने वाला शूद्र। इस प्रकार गुण और कर्म के आधार पर वर्ण विभाजन किया गया है। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म न होकर गुण एवं कर्म ही है, किंतु जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के भी कुछ उदाहरण प्राप्त होते हैं। यथा जन्मना ब्राह्मणों अपि इंद्रो गुण कर्मणोर अनुसारेण क्षत्रिय है। इंद्रो वही ब्राह्मण पुत्र क्षत्रिय है, कर्मणा अभवत्। महाभारत के शांति पर्व से यह वचन उद्धृत है। इसके अनुसार कोई एक वर्ण त्याग कर दूसरा वर्ण ग्रहण कर सकता है। एक और उदाहरण महाभारत के अनुसार जन्म एवं कर्म से क्षत्रिय विश्वामित्र तप और त्याग से ब्राह्मणों में परिगणित होते हैं। यथा ततो ब्राह्मणताम यातु विश्वामित्रो महातपा क्षत्रिय सो अप्यथय तथा ब्रह्म वंशस्य पारकः। समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए चार वर्णों के चार प्रधान कर्म क्रमशः ज्ञानार्जन, प्रजापालन, वाणिज्य एवं परिचर्या निर्धारित किए गए हैं। वस्तुतः वर्णों में कोई भेद नहीं है, समस्त जगत एक ही ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। वर्ण भेद केवल कर्म के अनुसार है। यथा न विशेषो अस्ति वर्णानां सर्वं ब्राह्ममिदं जगत् ब्रह्मणा पूर्व सृष्टं हि कर्मणा वर्णानां गतम्। महाभारत के शांति पर्व से यह वचन उद्धृत है। ब्रह्म से उत्पन्न सभी ब्राह्मण ही है। जब उन प्राणियों में गुणों और कर्मों का भेद देखा गया तो अन्य तीन वर्णों की कल्पना की गई। अब इसी क्रम में सबसे पहले ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से मानी जाती है, इसीलिए समाज के मस्तिष्क के रूप में ब्राह्मण को
माना जाता है, जो अपने ज्ञान से समाज को सन्मार्ग पर प्रवृत्त करे, यह ब्राह्मण का कार्य है। चारों वर्णों में ज्ञाननिष्ठ होने के कारण ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया है, जैसे कि मनु ने कहा है, विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठम्। ब्राह्मण के स्वरूप का चित्रण करते हुए कहा गया है, शमो दमस तपः शोचम शांति राजवमेवचे ज्ञानम ज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। जो क्रोध मोह से रहित हो, सत्यवादी हो, अहिंसक हो, स्वाध्याय में तत्पर हो, ज्ञान विज्ञान का अध्येता हो, शम दम तप शुचिता क्षमा सरलता इन सारे गुणों से युक्त है, वह ब्राह्मण है। इन्हीं गुणों के कारण प्राचीन काल में मंत्री पुरोहित गुरु इत्यादि प्रतिष्ठित पदों पर ब्राह्मण की नियुक्ति की जाती थी। वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक वर्ण के कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए थे, उसके अनुसार ब्राह्मण की कर्तव्य है मनुस्मृति के अनुसार अध्यापनम अध्ययनम याजनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानां कर्तव्यत्। अर्थात अध्यापन अध्ययन दान प्रतिग्रह यजन और याजन यह ब्राह्मण के प्रमुख कर्म है। इन तीन में से अध्ययन यजन और दान यह ब्राह्मण के साथ साथ क्षत्रिय और वैश्य के भी अवश्य करणीय कर्म है, किंतु जो अवशिष्ट तीन कर्म है अध्यापन याजन और प्रतिग्रह ये ब्राह्मण के थे। प्रतिग्रह अर्थात दान को स्वीकार करना। इस प्रकार अध्ययन यजन और दान के द्वारा अपनी उन्नति करते हुए अध्यापन याजन और प्रतिग्रह के द्वारा समाज की उन्नति के लिए जो प्रयासरत रहता है जो प्रवृत्त होता है वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण के पश्चात क्षत्रिय वर्ण क्योंकि क्षत्रिय की उत्पत्ति विराट पुरुष के बाहु से उत्पन्न हुई है, इसलिए बाहुबल का कार्य रक्षा का कार्य क्षत्रिय के लिए सौंपा गया है। क्षत्रियम सर्वभूताना यह क्षात्रम परम मतम। महाभारत के इस कथन के अनुसार क्षत्रिय वर्ण सभी प्राणियों के रक्षण का कार्य करता है। क्षत्रिय की विशेषताओं का वर्णन करते हुए श्रीमद् भगवद् गीता में कहा गया है, स्वयं तेजो धृति दाक्षम युद्धे चाप्य पलायन दानम ईश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावज। शौर्य तेज धैर्य उदारता युद्ध से पलायन न करना दान और प्रभुत्व यह सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। और क्षत्रिय के कर्मों की कर्मों का वर्णन करते हुए मनुस्मृति में कहा गया है, प्रजानाम रक्षणम दानम विद्या अध्ययनम एवच विशेषु अप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासते है। अर्थात प्रजा का रक्षण दान यज्ञ एवं अध्ययन और विषयों से अप्रसक्ति क्षत्रिय के संक्षिप्त रूप में ये धर्म कहे गए हैं। यदि क्षत्रिय इस संसार की रक्षा न करे तो यह संसार सुरक्षित रह के अन्य कर्म अन्य वर्ण अपने अपने धर्मों का पालन नहीं कर पाएंगे। प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी प्राणियों का रक्षण करना क्षत्रिय का महान धर्म है और चारों ही वर्णों के कर्तव्यों का निर्वहन करवाने का भार भी क्षत्रिय का है राजा का है। राजा ही ब्राह्मण वैश्य और शूद्र से अपने अपने धर्म का पालन करवाता है और उसके उल्लंघन होने पर दंड व्यवस्था का विधान भी करता है। इस प्रकार क्षत्रिय प्रजा का रक्षक और वर्णाश्रम का नियंता भी कहा जा सकता है कहलाता है। इसी क्रम में आगे वैश्यवर्ण कृषि गोरक्ष वाणिज्य विद्या धनम एवच अर्थात कृषि गोपालन और वाणिज्य यज्ञ और अध्ययन यह वैश्य के कर्म है। श्रीमद् भगवद् गीता के अनुसार भी कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम अर्थात कृषि पशुपालन और वाणिज्य के द्वारा समाज के आर्थिक विकास में योगदान देना सभी की उदर पूर्ति करना यह वैश्य का कर्म है वैश्य का स्वभाव है। मनुस्मृति के अनुसार पशुओं का रक्षण वाणिज्य दान देना यज्ञ करना अध्ययन करना वेद का अध्ययन करना वणिक पथ अर्थात वाणिज्य करना कुसीद इत्यादि के द्वारा
राष्ट्र की समृद्धि में, आर्थिक समृद्धि में उन्नति देना, उन्नति प्रदान करना ही राष्ट्र का प्रधान धर्म है। अन्न संपत्ति, पशु संपत्ति और रत्न वस्त्र इत्यादि संपत्ति से यदि वैश्य राष्ट्र की रक्षा नहीं करे, राष्ट्र की सेवा नहीं करे, तो क्षुधार्त ब्राह्मण किस प्रकार अध्ययन और अध्यापन में प्रवृत्त होंगे, और इसी प्रकार अन्न के अभाव में, धन के अभाव में क्षत्रिय प्रजापालन और दुष्ट दलन में और शूद्र परिचर्य आदि कर्मों में प्रवृत्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए समस्त लोग की उदर पूर्ति का भार वैश्य पे ही है, और कहा भी गया है चतुर्षु वर्णेषु वैश्य वर्णस्य एव लोकोदर ऋण भारो अस्ति। ब्राह्मणों को दान रूप में, क्षत्रियों को कर रूप में और शूद्रों को पारिश्रमिक रूप में जो धन प्राप्त होता है वह उन सबकी उदर पूर्ति का साधन बनता है। इसी क्रम में आगे शूद्रवर्ण अध्याम शूद्रो अजायत है, इस वचन के अनुसार विराट पुरुष के पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इसलिए भार वहन का कार्य, समस्त वर्गों की परिचर्या का, सहायता का कार्य शूद्र को दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार परिचर्यात्मक कर्म शूद्रश्यापि स्वभावजम्, अर्थात परिचर्यात्मक कर्म के द्वारा जीविका निर्वहन करना ही शूद्र का प्रमुख कर्म है। मनुस्मृति के अनुसार भी एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत यदेशामेव वर्णानां सुशूद्रमनस्क्रिया, अर्थात इन सभी वर्णों की निष्ठा पूर्वक सेवा करना ही शूद्र का धर्म है। इस प्रकार यद्यपि चारों वर्णों में कर्म भेद कल्पित है, तथापि ब्राह्मण से, क्षत्रिय से और वैश्य से और शूद्र से जिससे भी ज्ञान प्राप्त हो सके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस महाभारत के वचन से स्पष्ट होता है कि ज्ञान पवित्र है, वह किसी भी वर्ण में हो सकता है और किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ही महाभारत में कहा गया है प्राप्यम ज्ञानम ब्राह्मणा क्षत्रियाद व वैश्या शूद्राद अपि। इस प्रकार प्राचीन काल में प्रत्येक मनुष्य की सहज प्रवृत्ति को देखते हुए, स्वाभाविक प्रवृत्ति को देखते हुए उसके द्वारा उसके लिए कर्म निर्धारित किए गए हैं और अपने अपने वर्ण के अनुसार सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राष्ट्र की उन्नति बनते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये चारों वर्ण समाज की उन्नति में भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं और सभी एक दूसरे के पूरक है। ब्राह्मण सभी को आध्यात्मिक उन्नति की ओर लेके जाते हैं, क्षत्रिय सबकी रक्षा करते हैं और वैश्य सभी की उदर पूर्ति का भार अपने ऊपर लेते हैं। और इसी प्रकार शूद्र वर्ण सभी की परिचर्या का कार्य करते हैं। अगर शूद्र वर्ण अपने कर्म का पालन न करें तो ब्राह्मण के यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान में, क्षत्रियों के राष्ट्र नियंत्रण में, युद्ध संचालन कर्म में और वैश्यों के कृषि शिल्प वाणिज्य व्यापार इत्यादि कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार सभी वर्ण एक दूसरे के पूरक हैं और सभी एक दूसरे की सहायता के साथ राष्ट्र को उन्नत करते हैं। धन्यवाद।